महाराष्ट्र बैंक के एटीएम से, ये थोड़ा ज़्यादा है। मैं पहले सोच रहा हूँ कि मेरा $100 बैंक में मैं भरूँ, इसके बाद मेरे को एक्सचेंज के रेट नहीं लगेंगे। बैंक की फैसिलिटी नहीं है या कोई कुछ और है, पता नहीं मेरे को। यूपीआई मेरे को 7340 माइनस 250 रुपये काट लिया। आज का व्लॉग कुछ सुपर होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम जो तुइमिन सिटी में अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं मेरे फ्रेंड के साथ, ये यहाँ का लोकल बंदा है, और उसके बाद शायद हम दूसरा पॉइंट जो मार्केट या ऐसे ही कुछ है पता नहीं, लेकिन चलने में इतना दिक्कत आ रहा है कि अगर गिर गया तो दांत गिरने के चांसेस है बहुत सारे, क्योंकि अगर बर्फ नहीं पड़ता है तो स्लिपरी हो जाता है पूरा। मैं सुबह से कम 10 बार फिसलता बच गया हूँ। डर लग रहा है मेरे को कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ या हाथ पाँव ना टूट जाइए यहाँ के। तो तुइमिन सिटी में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पूरा, और हमें अभी बैंक में जाना है, क्योंकि जो मेरा चार्ज कट रहा है इस पे महाराष्ट्र बैंक के एटीएम से, ये थोड़ा ज़्यादा है। मैं पहले सोच रहा हूँ कि मेरा $100 बैंक में मैं भरूँ, इसके बाद मेरे को एक्सचेंज के रेट नहीं लगेंगे, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है। ये सर्वर बैंक का जो बैंक है वहाँ पे मैं एक्सचेंज करने के लिए आया था, मेरे को लगा कि मैं $100 उसमें डाल दूँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पता नहीं क्या सिस्टम है, इससे पूछता हूँ। अभी अगला जो भी स्टेप हमारा होने वाला है, क्योंकि इसको 3000 रुपये मेरे को देने हैं, मेरे को 8 दिन के लिए 5-7000 रुपये की ज़रूरत भी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मेरा महाराष्ट्र बैंक का एटीएम से अच्छा जो मेरे पास डॉलर पड़े हैं उसको मैं एक्सचेंज कर लूँ। पता नहीं क्या डॉलर लेने के लिए कुछ स्लिप निकाली है यहाँ से, और फिर हम अंदर जा रहे हैं इस कैबिन के लिए। जी मिनट डॉलर एक्सचेंज कर रहे Это в Сбербанк надо идти менять. А? Сбербанк вот эту менять. Отдельно ее положить. ना तो डॉलर एक्सचेंज नहीं हो पाए, क्या प्रॉब्लम है डॉलर में ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। ये इनको इसकी बैंक की फैसिलिटी नहीं है या कोई कुछ और है, पता नहीं मेरे को क्या है। मेरे पासपोर्ट आ गए, मेरे नोट आ गए, वैलेट आ गए। ओके, हम अभी दूसरे कुछ बैंक में आए एक्सचेंज करवाए, पता नहीं यहाँ का लफड़ा क्या है।
क्या क्षतिग्रस्त माल आ गए, कैसे स्टैंप लगे हैं मेरे डॉलर की, ये नहीं मेरे को पता क्या हुआ या कैसे हो सकता है। ऑर्डर दिया है मेरे को 7340 माइनस 250 रुपये काट लिया है और 7090 दे रहे हैं। एक्चुअल में मेरे को मिला था 7900 जो मैं एक्सचेंज सेंटर पे गया था। एक्चुअल में क्या लफड़ा है ये मेरे को नहीं पता है इसका, लेकिन ये दे रहे हैं जिन्होंने अभी 7000 कुछ ऐसे मुझे मिल रहा है, मेरे को 7090 ऐसा कुछ मिल रहा है। थैंक यू स्पासिंग कर दिया। आज का व्लॉग कुछ सुपर होने वाला है क्योंकि जो वीडियो आपके साथ मैंने साझा किया है आज, मैं लेने वाला हूँ बनिया स्नान ये मेरे फ्रेंड के साथ, क्योंकि ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये ट्रेडिशनल स्नान होता है ये, जिससे आपको बिल्कुल ठंडी नहीं लगती, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद हम जाएंगे बाज़ार के लिए, क्या ख़रीदना चाहता है या पता नहीं, खाने की चीज़ें कुछ हम लेंगे और उसके बाद जाएंगे बनिया स्नान के लिए उसके माँ के घर पे। इतना ज़ोरदार धमाका करके गई वो एम्बुलेंस, मेरा तो हार्ट अटैक ही हो जाता। यहाँ तो पूरा बिग मार्केट भी है, आप देख सकते हैं पूरा बिग मार्केट का नज़ारा। चल है उधर खाने को कुछ कैंटीन टाइप, आप देख सकते हैं पूरा बिग मार्केट है, निकल के रखा है चादर नाश्ता हो गया। How much for small something like that? I thought it should be. How much? Okay, 45. With the 45, with the 45, one. देर की भूख लगी है, मैंने 45 रुपी की कुछ तो रूबल की रोटी ली है, ब्रेड रशी, उसके साथ अच्छा लगा। ये है गर्मा गर्म रोटी, इसने जो भी हमने लिया है ये समसा और मैंने लिए एक रोटी और उसके साथ चाय। पता नहीं ये क्या क्या लोग खाते रहते हैं, पूरा बीफ मार्केट है। मेरे को इतना भूख लगा था यहाँ आके यार पूछो मत, तो उसको इसलिए गर्मा गर्म थोड़ा पेट में ढक्कन लूँ इसलिए खा रहा हूँ। जिस टाइप का मार्केट है आप देख सकते हैं ये पूरा बीप का, मेरे को ये अजीब ही लगा ये बीप का क्या लग रहा है यहाँ पे, सारा एक काउंटर एंट्री पे ही बीप का लगा हुआ है, शायद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए। ये है पूरा नज़ारा इस मार्केट का। हमें यहाँ कुछ ढूंढने आए हैं, देखते हैं अगर मिल गया मिल गया, नहीं तो बात ख़त्म। इसी वाली देखते देखने जाएंगे, 3000 या कुछ उससे भी ऊपर है। हाउ मच ये देख रहे हैं 3500 रुपये का टैग लगा है इस पर, तो इसमें 3500 में हमारे यहाँ तो इससे भी बेहतर आती है।
ये मेरी दूसरी मार्केट है, मैंने खंगाल डाली, लेकिन इसके भी रेट कुछ अजीब है। एक्चुअल में क्वालिटी वस्तुएँ होंगी उसमें, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 3000-4000 ये सिर्फ मेमोरी के लिए रखने से अच्छा होगा। मैं अभी अभी ज़ोरदार तरीके से गिरा हूँ, अच्छा हुआ कि आईफोन 12 नहीं टूटा और कपड़े भी ज़्यादा गीले नहीं हुए, सिर्फ हाथ पे मैंने झेला था। ये जो स्टैचू है इसके आजू बाजू में देख सकते कितना बर्फ़ है, और यहाँ का जो माहौल है शाम के समय का 4:30 या 5 बजे है लोकल के, लेकिन सारे रोड इतने स्लीपरी है कि बर्फ गिरना अच्छा है, इससे इनको भी लगता है क्योंकि चल नहीं पाते फिर, क्योंकि हम दोपहर से चल रहे हैं, लेकिन कुछ जैसा टेंशन आ रहा है रोड पे कि हड्डी फसली ना टूट जाए। यहाँ इतना स्लीपरी हो चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते, हम एक स्टैचू के सामने थे अच्छा, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए उधर फोटोग्राफी, क्योंकि मैं फिसला था उधर एक बार, इसलिए मेरे को थोड़ी लगी थी तो ब्लॉग अचानक से रुक गए बीच में। और मैं अभी जहाँ रोड पे चल रहे लोग वहाँ कुछ स्लीपरी नहीं होता है, जहाँ लोग कम है वहाँ ऑटोमेटिकली स्लीपरी हो जाता है, इसलिए मैं डर डर के चल रहा हूँ, मेरी एक उंगली में थोड़ा सा लगा है। और GoPro का शायद हो सकता है लाइट कम दिखाई हो दे रहा हो, ये मेरे को पता है, इसलिए मैं बनिया का जो मेरा वीडियो है वो स्पेशल कैमरे से शूट करने वाला हूँ। अभी बनिया लेने जा रहे हैं, इससे पहले कुछ खरीदारी कर रही है हमने, ऐसे जैसे अभी थोड़ा बहुत खाया था। हम अभी इसके घर के लिए निकले हैं, मार्केट देख लिया, रोड पे एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन कुछ बाकी चीज़ें जैसा मिला नहीं मेरे को। से यहाँ पहुँच गए हैं उनके घर पे, तो मेरे को थोड़ा आगे क्या जो बनिया स्नान का वीडियो बनाना है, इसलिए ये दोपहर तक से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ रोड पे आपको असली रशिया देखने के लिए मेरे नज़रिए से। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना,